करेंगे एक बहुत ही फेमस हिमाचल की रेसिपी जिसका नाम है रोंगी का मद्रा। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। बिना करते हुए फटाफट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रोंगी का मद्रा बनाने के लिए हमें रोंगी चाहिए है। रोंगी को मैंने पहले बीन लिया है, साफ़ कर लिया है और उसके बाद पानी से रात भर भीगने दिया था। सवेरे मैंने इसे साफ़ पानी से धो दिया है और ये एक कप रोंगी है। रोंगी के साथ ही हमें चाहिए है कच्चे आलू। यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे मोटे टुकड़ों में कट करना है, बहुत ज़्यादा पतले टुकड़े ना कट करें। तो इस तरह से इन सारे आलुओं को कट कर लेंगे। और साथ ही चाहिए है प्याज, तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक टुकड़ा मैंने अदरक लिया है और अदरक को अच्छे से कूट लेंगे। जी हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। मदरे में तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लगभग आधी कटोरी के करीब मैंने सरसों का तेल डाला है। इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें ये कटे हुए आलू डाल देंगे। इन आलुओं को मीडियम फ्लेम में पकाना है ताकि ये अंदर से पक जाएं और बाहर से इनका कलर सुनहरा हो जाए। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम में पकाएंगे तो आलुओं का कलर तो बाहर से गोल्डन हो जाएगा लेकिन खाते टाइम ये आलू अंदर से कच्चे लगेंगे, इसलिए गैस की फ्लेम को लो या मीडियम रखें और उसके बाद इसे अच्छे से पका लें। अब आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तो इन्हें मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। आलू आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी तेल में डाल देंगे प्याज। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होने लगे इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक। आप चाहे तो अदरक को बारीक भी कट करके डाल सकते हैं। लहसुन का यूज़ मैं मदरे में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि उसकी स्मेल मदरे में अच्छी नहीं लगती है। आपको लहसुन पसंद है तो इस टाइम पर आप लहसुन इसमें डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ बड़ा चम्मच ले लेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद चम्मच ले लेंगे गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मदरे में मिर्च अच्छी नहीं लगती है इसलिए ये सिर्फ कलर के लिए ही मिर्च डाली जा रही है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। लगभग 30 सेकंड तक भुनने के बाद अब आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो इसमें ये जो हमने रोंगी धोकर रखी हुई थी ये सारी रोंगी डाल देते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। टाइम पर इसमें मिक्स कर देंगे नमक। तो एक से डेढ़ चम्मच के करीब मैं नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही सब्जी में मिक्स करें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर के लिए इसे भुनना है ताकि ये जो मसाले हैं ये रोंगी में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। 30 से 40 सेकंड तक ही मैंने इसे पकाया है और अब आप देख सकते हैं रोंगी का कलर हल्का हल्का चेंज होने लग पड़ा है, लेकिन अभी ये कच्ची है तो इसमें डाल देंगे एक गिलास से थोड़ा कम पानी। और अब इसे हमें प्रेशर कुक करना है, तो 2 या 3 विसल इसे देंगे जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक जाती है। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 या 3 विसल ही इसे देनी है। 3-4 विसल आ चुकी है तो लीजिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो चलिए अब कुकर का ढक्कन खोल कर देखते हैं कि रोंगी पकी भी है या नहीं। हाथ से मैश करने पर अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मैश हो जा रहा है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब इसे गैस पर रख देंगे और तब तक पकने देंगे जब तक कि इसका सारा पानी सूख ना जाए। अब हमें चाहिए है दही। जितनी हमने रोंगी ली थी उससे डबल हमें दही चाहिए होता है। अच्छे से इसे फेंट लेंगे ताकि दही में बिल्कुल भी लम्स ना रहे।
लीजिए, दही बहुत ही अच्छे से फिट चुका है और अब आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। गाढ़ा दही ही मदरे में अच्छा लगता है, तो इस मैदाने को मैं साइड रख लेती हूँ। कुछ देर भुनने के बाद अब आप देख सकते हैं रोंगी ने तेल सारा सेपरेट कर दिया है, बहुत ही अच्छे से रोंगी जो है भुन गई है। ये रोंगी का मसाला ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है और मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, तो मैं एक छोटी कटोरी इसमें से रोंगी अलग रख ले रही हूँ। कभी आप भी इस तरह से रोंगी बनाकर खाइएगा रोटी के साथ या परांठी के साथ, बहुत ही बढ़िया ये रोंगी का टेस्ट देता है। और अब इस रोंगी में ये फेंटा हुआ दही डाल देंगे। जितना हमने रोंगी लिया था उससे डबल मैंने दही लिया है। को लो रखना है ताकि जो दही है उसमें एक उबाल आ जाए और दही बिल्कुल भी फटे ना। तो जैसे ही दही में उबाल आ जाएगा गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और उसके बाद इस दही को अच्छे से पकाना है जब तक ये पूरा दही रिड्यूस ना हो जाए। देख सकते हैं दही में उबाल आ चुका है, तो मैं गैस की फ्लेम को हाई कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से पकने को यूँ ही छोड़ देंगे। हाई फ्लेम पर सब्जी को मैंने भुना है और अब आप देख सकते हैं जो दही है वो पूरी तरह से सूखने लग पड़ा है। बीच बीच में इसे आप मिक्स करते रहें, नहीं तो दही नीचे लग भी सकता है। मिक्स कर देंगे ये तले हुए आलू ताकि आलूओं में भी मसाला बहुत ही अच्छे से लग जाए। फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। कोई भी ज़्यादा मसाले इसमें मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आया है और जितना अच्छा इसका कलर आया है खाने में भी ये उतना ही टेस्टी लगता है। कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लग पड़ा है, इसका मतलब दही बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। मदरे में जब हम रोंगी को पकाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रोंगी जो है वो बिल्कुल भी ओवर कुक ना हो, ना ही कच्ची रह जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसमें डाल देंगे हल्का गुनगुना पानी। एक गिलास मैंने पानी डाला है और कुछ देर के लिए इसे पकने देंगे। 5 मिनट पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। ये ग्रेवी ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। जैसे ही आप इसकी इस टाइप की कंसिस्टेंसी देखें गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इस सब्जी में डाल दें काफ़ी सारा हरा धनिया ताकि इसका फ्लेवर भी सब्जी में आ जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे यूं ही ढककर छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ग्रेवी का टेक्सचर आ चुका है और कलर बहुत ही अच्छा आया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया रेसिपी लगती है। रोंगी के मदरे को खाया जाता है गर्मा गर्म चावल के साथ, तो आप भी गर्मा गर्म चावल बनाएं और उसके साथ इस रेसिपी को ट्राई करें। आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक और नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।